फ्यूचर का मतलब ही आपको मालूम है कि विल लगा हुआ ही होता है ना, आई के साथ शेल और ये विल, और इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो मेन चीज आपको ध्यान रखिए कि विल शेल वाले में आपको एक्चुअल में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, बिलीव। वर्ब थर्ड फॉर्म तो सब नहीं आता है, आई ऑब्जेक्ट भी है, माय सब्जेक्ट भी आता है। तो देखिए, आई शेल राइट अ लेटर, कहाँ से शुरू करेंगे? A letter will be written by me. फिर है he will sing a song. A song will be sung by sing नहीं sung by him. A song will be sung by him. David play cricket. Cricket will be played by them. Cricket will be played by teacher will punish Sumit. Sumit will be punished by teacher. Sumit will be punished by teacher. Sumit ko chhod ke baaki sab khush ho raha hai. Sumit will be punished by teacher. Ab jo agla hai wo dhyan dene wala hai. He will invite me. क्या आएगा आंसर, क्या बनेगा? आई आई, लेकिन आई के साथ क्या है? अभी तक सबने वेल लिख रहे थे, आई शेल क्या आएगा? आई शेल बी इनवाइटेड बाय, बाय का क्या होगा?